सब सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से बड़ी खबर। उफनती नदी के पुल पर फंसी है जवानों की बस। पुल के ऊपर बह रही है नदी को पार कर रही थी बस, तभी अचानक वो बहते पानी में फंस गई। उफनती नदी पार कर रही थी जवानों की ये बस। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी जवान सुरक्षित हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे ये सभी डीआरजी के जवान। और साथ में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये बस फंस गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ था पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या बस को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है और सभी जवान उसमें मौजूद थे, क्या वो सुरक्षित हैं? जवान है वो सुरक्षित थे। बीते करीब 2 महीने से लगातार जिस तरीके से नक्सली ने आतंक यहाँ पर मचा कर रखा है, आज ही एक पूर्व जो सहायक आरक्षक थे उसकी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। इस तरीके से नक्सलियों का आतंक जो चल रहा है उसको देखते हुए सुरक्षा बल के जवान और पुलिस ने भी यहाँ पर जो गश्ती है, एरिया डोमिनेशन है और ऑपरेशन जो है उनको तेज कर दिया है। उसी के मद्देनजर एक डीआरजी की जो टुकड़ी थी मीरपुर से आगे जो जंगली इलाका है, मावर इलाका है, उस क्षेत्र में निकली हुई थी। आज मीरपुर से लौटते वक्त नाले के पास में चूंकि पानी का बहाव ज्यादा था, तेज थी, तो उसको पार करते हुए जो वाहन है वो पलट कर नदी में गिर गई। जी, अभी लगभग कितना समय हो गया है बस को फंसे हुए पवन? करीब 3 से 4 घंटे पुराना ये मामला है। सभी जो जवान है वो सुरक्षित है, बस को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है और सभी जवान सुरक्षित है, मृत्यु थाने में पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। केंद्र सरकार